हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपीआईसी रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनके प्रोज सेक्शन से द गंगा पाठ है। इसके लेखक हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनका जन्म 1889 को हुआ था और उनकी डेथ 1964 को हुई थी। बच्चों, यह द गंगा पाठ एक्चुअली पंडित नेहरू जी के द्वारा लिखा गया एक शपथ पत्र है। शपथ पत्र, वसीयतनामा हम जिसे कह सकते हैं, व्यक्ति मरने से पहले अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए या मरने के बाद उसके साथ कैसे कैसे क्या किया जाए, उसके संपत्ति का क्या किया जाए, उसके चल अचल संपत्ति को क्या किया जाए आदि सब का जिक्र जिस दस्तावेज में किया जाता है उसको हम शपथ पत्र कहते हैं। यह पाठ द गंगा पंडित नेहरू जी के मृत्यु से लगभग 10 साल पहले 1954 में लिखा गया एक छोटा सा शपथ पत्र है, उसी शपथ पत्र का एक भाग है द गंगा। तो आइए हम देखते हैं द गंगा नामक शीर्षक से नेहरू जी आप लोगों से क्या साझा करने जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर पाठ आपके प्रोज सेक्शन का। इसके पहले आप लोगों ने प्रोज में पढ़ा है द एन्चेंटेड पूल, दूसरा पाठ आपने पढ़ा एलेटेड टू गॉड, और तीसरा पाठ आपका द गंगा, और उसके बाद एक पाठ और बचेगा सॉक्रेटिस। तो चलिए हम लोग द गंगा नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। आपका पाठ यहाँ शुरू है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। आई हैव रिसीव्ड, मैं पा चुका हूँ सो मच लव एंड अफेक्शन, इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, दैट मनी की नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ रिपे माने वापस करने के लिए, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका एक भी छोटा सा अंश फिर से चुकाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इंडीड, और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेसियस ए थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई वापसी हो ही नहीं सकती है सो प्रेसियस ए थिंग, इतनी बहुमूल्य चीज़ जैसे कि स्नेह हो गया, स्नेह के जैसे बहुमूल्य चीज़ का कोई वापसी हो ही नहीं सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर, लेकिन अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह हैज कम टू मी, मेरे पास आ चुका है इन सच अबंडेंट मेजर, इतना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, दैट मीन्स कि आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाई इट, कि मैं इससे भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल उम्मीद व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि आने वाले वर्षों में मैं जब जिंदा रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों, अपने देशवासियों और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा। बस यही केवल मेरी उम्मीदें हैं और कुछ नहीं मैं व्यक्त कर सकता। यानी प्रथम पैसेज में आपने देखा पंडित नेहरू जी बता रहे हैं कि मुझे भारतीय लोगों से इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह मिला है कि मैं उसका एक भी भाग चुकाना चाहूँ तो मैं चुका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्नेह के जैसी मूल्यवान चीज़ को चुकाया नहीं जा सकता है। नेहरू जी आगे बताते हैं कि बहुत से ऐसे तमाम लोग रहे होंगे जिनकी प्रशंसा की गई है, बहुत लोगों की सम्मान किया गया होगा, लेकिन मेरे पास सभी वर्गों का स्नेह, भारत के सभी लोगों का, भारत के सभी प्रकार के लोगों का स्नेह मेरे पास इतना ज़्यादा आया है कि मैं इससे भाव विभोर हो गया हूँ, और मैं केवल यही कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में जब तक मैं जिंदा रहूँ देशवासियों के प्रति और उनके प्यार के प्रति कभी अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड क्लिक्स, सेकंड पैराग्राफ ऐसा दिख रहा है आपको, टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड क्लिक्स, अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का, आई ओ, मैं ऋणी हूँ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता का गहरा कर्ज मैं ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम लोग साथी रह चुके हैं बड़े बड़े कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्फ एंड सारोज, और हम लोगों ने दुख को और ट्रम्फ मान विजय को साथ साथ हिस्सा बांटा है, हुज इनवाइटेबली एकम्पनी देम, जो अटल रूप से उनके साथ चला करती थी।
तो ऐसे साथियों और सहकर्मियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। इस तीनों पंक्तियों में पंडित नेहरू अपने उन साथियों और सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हैं जो इनके साथ बड़े बड़े कामों में साथी रह चुके थे और जिनके साथ दुख और सुख साथ साथ चलते थे, उसमें भी वो लोग हिस्सा बटाए थे। ऐसे साथियों और सहकर्मियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसा नेहरू जी कहते हैं। व्हेन आई डाई, नेहरू जी अगले पंक्ति में कह रहे हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई लाइक माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। क्रीमेट माने आपको याद होगा मीनिंग, हमने पहले वीडियो में लिखवा दिया है। यदि आपको मीनिंग ना याद हो तो आप मीनिंग पिछले वीडियो में देख लीजिए, द गंगा का मीनिंग आपको लिखवाया गया, वर्ड्स मीनिंग। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, अगर मैं किसी विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे अस्थियों को, आयस माने राख होता है राख, मेरे अस्थियों को, मेरे राखों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज आइसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा के धंधे, गंगा में मेरी एक छोटी सी मुट्ठी राख, यानी एक मुट्ठी राख इलाहाबाद के गंगा में फेंक दी जाए। एंड द मेजर पोर्सन ऑफ देम, और उस राख का अधिकांश भाग डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे दिए गए तरीकों के अनुसार उसे निपटारा किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज आइसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इस राख का कोई भी भाग सजो करके या सुरक्षित ना रखा जाए। रिटेन माने सजो कर रखना, और प्रिजर्व्ड माने होता है सुरक्षित रखना, अर्थात इन अस्थियों का कोई भी अंश बचा करके ना रखा जाए। तो आपने इस पहले पैराग्राफ में देखा कि नेहरू जी अपने भारतीयों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अपने साथियों का आभार व्यक्त करते हैं, और उनकी एक तमन्ना है कि जब वो मरें तो उनके शरीर को दफनाया ना जाए, कहीं पानी में तैराया ना जाए, बल्कि उनके शरीर को जलाया जाए। यदि भारत मरते हैं तो जला दिया जाए, यदि विदेश मरते हैं तो वहीं जला दिया जाए, लेकिन उनकी अस्थियों को भारत भेज दिया जाए। भारत भेजने के बाद उन अस्थियों में से एक मुट्ठी राख इलाहाबाद के गंगा में फेंक दिया जाए, और बाकी का जो राख बचा है उसे नीचे दिए गए तरीके से निपटाया जाए। अब यहाँ से आपका सेकंड पैराग्राफ बच्चों शुरू होता है। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इतना लंबा सब्जेक्ट है आपका बच्चों, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। नेहरू जी बता रहे हैं, यहाँ से देखेंगे इलाहाबाद से, इलाहाबाद के गंगा में मेरी एक मुट्ठी राख फेंकने की मेरी इच्छा हैज माने रखती है नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई भी धार्मिक महत्व, सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा संबंध है, यानी पूरा सेंटेंस बनेगा, जहाँ तक मेरा संबंध है इलाहाबाद के गंगा में मेरी एक मुट्ठी राख फेंकने की मेरी इच्छा में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरे पास इस मामले में कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से इलाहाबाद के गंगा और जमुना नदियों से जुड़ चुका हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, मेरा यह लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उनके बदलते हुए मिजाजों को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे मैं उनके बदलते हुए मिजाजों को मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और मैंने प्रायः इतिहास के बारे में सोचा है। एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, और पौराणिक कथा और परंपराओं के बारे में सोचा है। एंड सॉन्ग, गीतों के बारे में सोचा है, स्टोरी कहानी के बारे में सोचा है। दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो इनसे जुड़ चुकी हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे लंबे युगों से। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और इनके बहते हुए पानी का अंग बन चुकी हैं। यानी पंडित नेहरू गंगा और जमुना नदियों से बचपन से लगाव रख चुके हैं, और जब वो गंगा और जमुना नदियों को देखते थे तो उन्हें भारत का इतिहास, पौराणिक कथा, परंपराएं, गीत, कहानियां याद आती थीं जो गंगा से बहुत लंबे युगों से जुड़ चुकी थी। चलिए तीसरे पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों।
द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ आवर पीपल, भारत के लोगों की प्रिया है, राउंड विच जिसके चारों ओर आर इंटरट्विंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों ओर उसकी जातिगत यादें गुथी हुई हैं, हर होप्स एंड फियर्स इसकी आशाएं और इसके डर गुथे हुए हैं, हर सॉन्ग ऑफ ट्रंप इसके विजय के गीत जुड़े हुए हैं, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स उसके हार और उसके विजय जुड़े हुए हैं, सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह हैज बीन मतलब हो चुकी है ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत के लंबे युगों की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक हो चुकी है मेरे लिए, एवर चेंजिंग हमेशा बदलते हुए, एवर फ्लोइंग हमेशा बहते हुए, एंड येट एवर द सेम गंगा और फिर भी वही एक जैसी गंगा, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, वह मुझे हिमालय के गहरे घाटियों और बर्फ से ढके हुए चोटियों की याद दिलाती हैं, फिर से देखें सी रिमाइंड्स मी वो मुझे याद दिलाती हैं ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स बर्फ से ढके हुए चोटियों की एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज और हिमालय के गहरे घाटियों की याद दिलाती हैं, व्हिच आई हैव लव्ड सो मच जिसको मैंने बहुत चाहा है, एंड ऑफ द रिच वास्ट एंड वास्ट प्लेन बिलो और नीचे के रिच माने उपजाऊ वास्ट माने विशाल नीचे के उपजाऊ विशाल मैदान की भी याद दिलाती हैं, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य ढाला गया है यानी संपन्न हुआ है, यानी इस पैराग्राफ में नेहरू जी बता रहे हैं कि उनका जीवन उनका कार्य जिस मैदानी भाग पर संपन्न हुआ है उस मैदानी भाग की भी गंगा याद दिलाती हैं, यानी कहने के तात्पर्य इस पैराग्राफ में नेहरू जी बता रहे हैं कि गंगा भारत के लंबे युगों की संस्कृति और परंपरा की प्रतीक बन चुकी हैं, यह हमेशा बहती हैं हमेशा एक जैसे दिखाई देती हैं, और गंगा जी नेहरू को हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों और क्या कहेंगे हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं और उस नीचे के विशाल उपजाऊ मैदान की याद भी दिलाती हैं जिसको नेहरू जी बहुत पसंद करते थे जहां उनका जीवन और कार्य ढाला गया था, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट नाचते हुए और मुस्कुराते हुए सुबह के सूर्य के प्रकाश में, एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, एज द इवनिंग शैडोज फॉल का मतलब होता है शाम के समय डार्क माने काली ग्लोमी माने निराश एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरपूर, ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर जाड़े के मौसम में एक पतली एक आकर्षक जलधारा के रूप में, एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून और वर्षा काल के दौरान विशाल गर्जना करने वाली वस्तु, ब्रॉड बोजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी लगभग समुद्र के जैसी चौड़े पाट वाली विथ समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय लगभग समुद्र के जैसी बर्बाद करने की शक्ति रखने वाली द गंगा हैज बीन टू मी मेरे लिए हो चुकी है ए सिंबल एक प्रतीक हो चुकी है एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया भारत के अतीत की स्मृति बन चुकी है, रनिंग इन टू द प्रेजेंट जो वर्तमान में बहते हुए एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर भविष्य के महान महासागर में चली जाती है। बच्चों मैं आपको बताना चाहेंगे इस चौथे पैराग्राफ में पंडित नेहरू जी ने गंगा के चार अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का रूप वर्णित किया है। गंगा सुबह के समय नाचती और मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ती हैं, गंगा जी शाम के समय काली उदास और रहस्य से भरपूर दिखाई पड़ती हैं, गंगा जी शीतकाल में एक पतली आकर्षक और धीमी जलधारा बन जाती हैं, और जब वर्षा काल आता है तो गंगा के तीन रूप दिखाई पड़ते हैं, विशाल गर्जना करने वाली वस्तु, चौड़े पाट वाली और समुद्र के जैसे विनाशकारी शक्ति रखने वाली गंगा अपने वर्तमान में बहते हुए भविष्य में के महान महासागर में चले जाती हैं, और नेहरू जी के लिए गंगा भारत के अतीत की स्मृति और प्रतीक बन चुकी हैं। पांचवा पैराग्राफ देखते हैं, आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम और यद्यपि मैंने बहुत से पुराने परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, डिस्कार्ड मैंने छोड़ देना होता है, मैंने बहुत से प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, एंड कस्टम्स मैंने रीति रिवाजों को, एंड आई एम एक्सेस दैट और मैं उत्सुक हूँ कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स कि भारत को उन सभी बीड़ियों को जंजीरों को
छोड़ देना चाहिए दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेन हर, जो उसको बांधते हैं और नियंत्रित करते हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांट देते हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उसमें बहुत से लोगों को कुचल देते हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और आत्मा के स्वतंत्र विकास को, आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। ऐसे सारे जंजीरों को तोड़ देना चाहिए। फिर से एक बार देख लें, पंडित नेहरू इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत से पुराने परंपराओं को और बेकार के रीति रिवाजों का त्याग कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि भारत भी इन प्राचीन परंपरा रूपी जंजीरों को छोड़ दे। कैसी जंजीरें? जो भारत को बांधती हैं, जो भारत को कैद करती हैं, जो भारतीय लोगों को बांटती हैं और इसमें अधिकांश लोगों को कुचल देती हैं, तथा ये शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोक देती हैं। ऐसे जंजीर रूपी या ऐसे रीति रिवाज रूपी जंजीरों से भारत को छुटकारा पा लेना चाहिए। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब कुछ चाहता हूँ, येट आई डू नॉट विश, फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, मैं भारत के अतीत से अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन, मुझे उस महान उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमारा रह चुका है, एंड इज और है आवर्स हमारा, एंड आई एम कॉन्शियस दैट, और मैं उत्सुक हूँ कि आई टू मै भी लाइक ऑल ऑफ अस, हम लोगों में से सभी की तरह, आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट जंजीर की एक कड़ी हूँ, हुच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के इतिहास के, जो भारत के ऐतिहासिक स्मृति के सुबह तक, जो भारत के इतिहास के स्मृति के सुबह तक जाती है। ऐसे जंजीर की मैं एक कड़ी हूँ, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ूंगा, फॉर माने क्योंकि आई ट्रीजर इट, क्योंकि मैं इसको बहुत बहुमूल्य मानता हूँ, एंड आई सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और मैं इसे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और अपने इसी इच्छा के साक्षी के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी एक मुट्ठी राख इलाहाबाद के गंगा में फेंक दिया जाए, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, जिसे बहा कर महान महासागर में ले जाया जाए, दैट वॉसेज इंडिया सोर्स, जो भारत के चरणों को, जो भारत के तटों को धोता है। कितनी ऊंची कल्पना है कविराज की, बताइए। नेहरू जी कह रहे हैं, मैं भारतीय संस्कृतियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये जो मेरी इच्छा है कि मैं भारत के संस्कृति का हिस्सा बनूं, उसकी उसके गवाह के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा में विसर्जित कर दी जाए, ताकि यह राख बह करके महासागर में जाएगी, और वही महासागर भारत के तटों को धोता है, और मैं भारत के चरणों को धोना चाहता हूँ। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हैव यूर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, मेरे राखों का अधिकांश भाग जो भी हो किसी अन्य तरीके से उसको निपटाया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इनको हवाई जहाज में खूब ऊँचाई पर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उसी ऊंचाई से बिखेर दिया जाए ओवर द फील्ड्स, उन खेतों के ऊपर वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया ट्वायल, जहां पर भारत के किसान परिश्रम करते हों, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वे भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाएं, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं। कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी कल्पना है, कितनी शानदार कल्पना लेखक की है। लेखक चाहते हैं कि उसके राख का जो अधिकांश भाग है उसे भारत के खेतों पर बिखेरा जाए,
और भारत के ऐसे खेतों पर भी खरा जाए जहाँ भारतीय किसान काम करते हों। जब भारतीय किसान खेतों पर काम करेंगे, खेत जोतेंगे, उसकी गुड़ाई करेंगे, जुताई करेंगे, सिंचाई करेंगे, कटाई करेंगे, तो वह राख भारत की धूल के कण कण में मिल जाएगी और भारत के अभिन्न अंग बन जाएंगे। नेहरू जी इसी उद्देश्य से वह भारत के भूमि पर अपने अस्थियों को विसर्जित करवाना चाहते हैं। आई हैव राइटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June इन द ईयर 1954। मैंने यह शपथ पत्र 21 जून 1954 को नई दिल्ली में लिखा है। तो बच्चों यहाँ आपका पाठ खत्म हो जाता है द गंगा। हमें उम्मीद है कि आप पाठ को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ का पैसेज और शार्ट क्वेश्चन तथा लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। तब तक आप पुनः इस पाठ को पढ़ते रहें, जहाँ कहीं दिक्कत हो हमसे संपर्क करते रहें। और पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। धन्यवाद, अलविदा, टाटा, बाय।